बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ विटामिन ई के बेनिफिट्स, विटामिन ई ऑयल के बेनिफिट्स, हाउ टू यूज़ विटामिन ई एवन विटामिन ई कैप्सूल्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन ई कैप्सूल से। विटामिन ई हमें क्यों ज़रूरी है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस स्किन को यूज़ करना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इंशाल्लाह इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ विटामिन ई। विटामिन ई क्या है, जैसे हमारी स्किन के लिए विटामिन सी होता है, विटामिन ए बी सी और डिफरेंट विटामिन डी होता है बोन्स के लिए, इसी तरह विटामिन ई होता है। विटामिन ई के बेतहाशा बेनिफिट्स हैं और आपकी स्किन के लिए एक हेल्दी टॉनिक होता है। आपने क्या करना होता है, विटामिन ई आपकी स्किन को किस तरह अप्लाई करना है तो बाद में बताती हूँ। विटामिन ई आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन पे एंटी एजिंग के इफ़ेक्ट्स जो है उसको दूर करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज बनाता है, सिपल बनाता है, आपके स्किन के अंदर जो है वो इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, और जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी मॉइस्चराइजिंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी स्किन यंग नज़र आएगी और आपकी स्किन पे जो एंटी एजिंग के इफेक्ट्स हैं, फाइन लाइंस हैं, वो सब दूर होती हैं और आपकी स्किन जो है वो ब्यूटीफुल हेल्दी ग्लोइंग स्किन नज़र आती है। इसके अलावा ये डार्क सर्कल्स के लिए भी इंतहाई बेनिफिशियरी होता है। जितनी भी डार्क सर्कल्स से रिलेटेड सीरम्स वगैरह या फिर आई क्रीम्स होती हैं उनमें विटामिन ई मौजूद होता है। इसके अलावा एंटी एजिंग के जितने सीरम्स होते हैं उसमें भी विटामिन ई मौजूद होता है। विटामिन ई के सीरम होते हैं वो आपकी स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट होते हैं एंटी एजिंग के लिए, और स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त उनके रिजल्ट्स होते हैं। विटामिन ई जो है वो दो तरीके के होते हैं। विटामिन ई के बारे में एक दो बेनिफिट्स और बता देती हूँ। विटामिन ई आपको सन डैमेजेस से बचाता है, आपके सन डैमेज से बचाता है। इसके अलावा आपके जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज रखता है, वॉन्ड हीलिंग में भी काम आता है। अगर आपने विटामिन ई से रिलेटेड कोई सीरम कोई क्रीम फेस पे अप्लाई की हुई है तो वो आप अगर सन रेजेस में जाते हैं, डे टाइम में आप वर्किंग कर रहे हैं तो उससे भी आपके सन रेजेस से आपके स्किन जो है वो महफूज रहती है। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, वॉन्ड हीलिंग के लिए बेस्ट है। अभी इन्हें किस तरह यूज़ करना है, सबसे पहले इवॉन कैप्सूल्स की बात कर लेते हैं। ये विटामिन ई कैप्सूल्स हैं और ये आपको आसानी किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं। 20 मिलीग्राम का एक इसके अंदर कैप्सूल होता है। ये ग्रीन कलर के इस तरह पैकेजिंग में होते हैं, ओपन करके दिखा देती हूँ। ये वाले विटामिन ई कैप्सूल हैं, इन्हें आप डायरेक्ट कभी भी अपने फेस पर अप्लाई ना करें। इनके तीन बेनिफिट्स हैं। अगर आप अपने हेयर पर यूज़ करना है तो हेयर पर लगाने के लिए ये देखिए, ये जेल फॉर्म में है इस तरह, ये ऑयल नहीं है, ये जेल फॉर्म में, ये लिक्विडी फ्लो भी नहीं कर रहा, ये जेल फॉर्म में। अगर आपने अपने हेयर पे लगाना है तो किसी रेमेडी में आप इसे मिक्स करके लगा सकते हैं अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। दो कैप्सूल इनफ होते हैं, और अगर आप ऑयल में मिक्स कर रहे हैं तो एक कैप्सूल आप अपने ऑयल में मिक्स करें और अपने हेयर के स्कैल्प पे लगा के 15 मिनट बाद वॉश कर लें। किसी भी किस्म की आप रेमेडी बना रहे हो हेयर केयर से रिलेटेड, हेयर मास्क में भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये का जेल फॉर्म में, ठीक है, जेल फॉर्म में फ्लो ही नहीं है, बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर है जेल फॉर्म में। और अगर आपने इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है तो फेस पे भी आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये विटामिन ई कैप्सूल्स हैं, इसे भी आपने किसी रेमेडी पे बना के लगाना है। रेमेडी पे बनाने के लिए आप अपने इसका जो है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अपनी नाइट क्रीम में अप्लाई मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई फेस पैक बनाया है, एग वाइट ली है, उसके साथ कोई फेस पैक बनाया है तो उस पर भी आप इसे मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मॉइस्चराइज़र में भी मिक्स करके अपने फेस का मसाज कर सकते हैं। ये आपके फाइन लाइंस को दूर करेगा, एंटी एजिंग होता है, रिंकल्स वगैरह उनको भी अच्छे से रिमूव कर देता है। इसको सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में आप मसाज करेंगे तो रिज़ल्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छे और प्रॉम्प्ट नज़र आएंगे। ये तो हो गया विटामिन। अगर ये आपने नेल्स पे यूज़ करना है तो विटामिन ई नेल्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आपने अपने नेल्स पे लगाना है और उसको मसाज करके छोड़ देना है और फिर 15-20 मिनट बाद आपने वॉश कर लेना है, या फिर आप ओवरनाइट भी यूज़ कर सकते हैं विटामिन ई अपने नेल्स पे लगा के। अगर आपके नेल्स बार बार डैमेज होते हैं, टूटते हैं, या फिर उनके अंदर ड्राइनेस है तो वो उसके में भी ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये तो हो गया विटामिन ई इवॉन ऑयल। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के फेशियल ऑयल। ये फेशियल ऑयल है, ये स्पेशली बना ही आपके फेस के लिए है। इन फेशियल ऑयल्स में आपका एलोवेरा ऑयल भी मिक्स है, एलोवेरा भी मिक्स है, ग्लिसरीन मिक्स है, और ये दोनों इंग्रेडिएंट जो है, ग्लिसरीन एलोवेरा, ये इंग्रेडिएंट मिलके आपके फेस के लिए एक फेशियल ऑयल ट्रीटमेंट हो जाता है। इसे आपने क्या करना होता है, इसको या आपके किस स्किन पे जाएगा सबसे पहले तो ये बता देती हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपके ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट है। इस तरह ये पैकेजिंग में होता है, नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो गर्मियों में अवॉइड करें, और सर्दियों में आप किसी रेमेडी में आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं।
सर्दियों में आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई हो रही होती है हाफ क्वांटिटी में, लेकिन गर्मियों में आप यूज़ करें तो वो बेहतर नहीं है क्योंकि आपके पिंपल्स हो सकते हैं, क्लॉक जम सकता है। विटामिन ई ऑलरेडी ऑयल है और ऑयली स्किन पे मज़ीद ऑयल करना अप्लाई करना ठीक नहीं है। इसका टेक्सचर आप देख लें और ये आपको मिल जाता है, ये थोड़ा सा फ्लोई फॉर्म में है क्योंकि ये ऑयल है, ऑयल की तरह है, फ्लोई फॉर्म में। देखें ये आपने इस तरह अप्लाई कर दिया सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में, नेक पे लगाए, नेक पे जो फाइन लाइन्स है वो नहीं आएंगी, नेक की भी इलास्टिसिटी बढ़ेगी। और इसे अगर आपके हाथ ड्राई हो रहा है तो भी आप इसे अच्छे मिक्स करके अपने हाथों पे मसाज करके आप इसे छोड़ सकते हैं, आपके हाथ पाँव भी नर्म और मुलायम और बहुत ही खूबसूरत आपके हाथ पाँव का टेक्स्चर हो जाएगा। बहुत बहुत आसान है इसे यूज़ करना और बहुत ही कन्वीनियंट प्राइस है। एक कैप्सूल आपको मिल जाता है किसी भी शॉप से, मेडिकल शॉप से भी मिल जाएगा 5 रुपीज़ का। एवॉन कैप्सूल की प्राइस है 15 to 20 rupees या 25 तक मिल जाता है, काफ़ी दिनों के लेटेस्ट प्राइस मुझे नहीं याद, लेकिन आपको 15 से 20 तक की प्राइस में अब आसानी किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। अब इसे अप्लाई किया और मसाज किया, मसाज करने के बाद आपने इसे साफ कर 5 मिनट आप मसाज करो, फिर आप अपने किसी अच्छे फेस वॉश से वॉश कर लें। इसे आप अपनी रेमेडीज़ में भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। ये जाएगा ड्राई टू नॉर्मल स्किन पे और ये जाएगा आपके फेस पे, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन ये आपके हेयर के लिए नहीं है क्योंकि ये हेयर के लिए दूसरे फेशियल, ये फेशियल ऑयल है, ये फेस के लिए है, ये हेयर के लिए नहीं है। इवॉन कैप्सूल विटामिन ई है, ये आपको, ये आप हेयर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फेस पे भी, लेकिन ये स्पेशली है ही फेशियल ऑयल। ये विटामिन ई कैप्सूल्स नहीं है, ये ऑयल है जो बड़ा ही इस फेस के मसाज के लिए है, जिससे आपकी विटामिन ई ऑयल का एक और बेनिफिट और वो ये है कि ये आपके लिप्स के लिए भी इनता है बेनिफिट है। अगर आपने कोई, अगर आप पेट्रोलियम जेली लगा रहे हो लिप्स में, तो आप ये एक फ्यू ड्रॉप्स पेट्रोलियम जेली में आप एक इवॉन कैप्सूल मिक्स करके आप रख दें और उससे ही आप अपने लिप्स भी मॉइस्चराइज करें। आपके लिप्स की जो चैप लिप्स होते हैं, ड्राई लिप्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फटे फटे लिप्स होते हैं, वो इंतहाई मॉइस्चर और बहुत ही खूबसूरत आपके नेचुरल टेक्स्चर, जब आपके लिप्स मॉइस्चराइज रहेंगे तो आपके नेचुरल पिंक आपका टेक्सचर वो दोबारा आपको वापस मिलेगा इंशाल्लाह। और ये वाला ऑयल भी आप अपने फेस पे मसाज के साथ साथ अपने लिप्स पे भी मसाज कर सकते हैं, मसाज करें, इससे आपके लिप्स की डेड स्किन भी दूर होगी, आपके लिप्स पे मॉइस्चर मिलेगा, उसको उसकी ड्राइनेस दूर होगी और लिप्स का अपना नेचुरल पिंक जो टेक्सचर है वो भी दोबारा अपने वापस मौजूदा शक्ल में वापस आ जाएगा। तो ये विटामिन ई के आपके हेयर, फेस, लिप्स, नेल्स सब जगह काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिशियल, ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं। इसके अलावा अगर आपके स्किन पे जो स्कार्स होते हैं, आपकी बॉडी पे जो स्कार्स होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, उस पर भी आप विटामिन ई ऑयल लगा के अच्छे से मसाज करके रात को सो जाएं, डेली एक विटामिन ई ऑयल अप्लाई करके सोए, इंशाल्लाह स्क्रैच मार्क्स भी आपके, स्क्रैच मार्क्स जो होते हैं वो आपके वो भी ख़त्म हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत आपकी सॉफ्ट ब्यूटीफुल स्किन हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।